तो अब मैं जरा बिल्कुल आम लोगों से, जैसे राह चलते लोगों से बातचीत करता रहता हूँ, तो माहौल क्या है। खैर, विधानसभा उपचुनाव का थोड़ा जा, आप यहीं के रहने वाले हैं? प्रॉपर यहीं का रहने वाला हूँ। क्या नाम है आपका? आरपी शर्मा। करते क्या? रिटायर्ड लेखा अधिकारी। तो आपके जमाने में ज्यादा चलता था कि इस सरकार में ज्यादा चल रहा? अब ये चीज मत क्लियर कराइएगा ये चीज मत क्लियर कराइएगा। आज में सरकार कोई सीधी नहीं होती है, आज में सब में चलता है मामला आज में सब में चलता है, ऐसा नहीं है कि हर जाने वाली सरकार से हर आने वाली सरकार में ज्यादा चलती है, आगे मिलती है, ज्यादा चलता है। घुमा फिरा करके मेरे से मत कंफर्म करो आज में। ताऊ आप क्या कह रहे हो? जाने वाली सरकार से आने वाली सरकार में ज्यादा चलता है, हर सरकार में। हाँ, हर सरकार। इस सरकार में पिछली सरकार से ज्यादा चल रहा है? ज्यादा चल रहा है। सलाह सम्मत पिछलो सराहा जाए, सम्मत पिछलो सराहा जाए, सम्मत जो है पिछला ही सराहा जाए कि पिछली सरकार बढ़िया ही। इस सरकार में आपका कुछ ऐसा काम फंसा जिसमें आपको लगा कि ज्यादा चल रहा है? ज्यादा चल रहा है। गुंडागर्दी। गुंडागर्दी, गुंडागर्दी पता ही, योगी जी कहते रोक लगा देता हूँ। योगी जी के को मानो, वहाँ बैठे कांगो अमित शाह और मोदी। अरे वो तो योगी जी के साथ है लोग। नहीं, साथ है वो तो, हटा रहे बोल रहे हैं योगी जी है। अरे कहाँ हटा रहे हैं, आपको कैसे पता चल रहा? हाँ, हमें पता चला, ऐसा जो ही तो बोल रहे हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। अच्छा, योगी जी को मान लो हटा देते तो बीजेपी कमजोर हो जाएगी कि मजबूत? कमजोर हो जाएगी। कैसे कमजोर होगी? तो उनके तो मुख्यमंत्री रहते, इतना सीट हार गई बीजेपी। हारेगी फिर भी, हारेगी भाई फिर भी। आप विधायक चुनाव में, आपको एक विधायक के चुनाव में और ज्यादा हार होगी। क्यों? नो, क्या गुण तो कह रहे हो? योगी जी अच्छे, तो योगी जी तो अच्छे हैं, पर गुण की बदौलत मोदी साहब की बदौलत अभी तक वो जीता रहे थे तब नहीं? नहीं, वो तो मोदी मोदी जीता रहे हो। मोदी मोदी कौन? बीजेपी नहीं, मोदी। मोदी 400 पार, मोदी 400 पार, बीजेपी 400 पार नहीं, मोदी 400 पार। तो मोदी के नाम पे ही तो जीते दो दो तीन तीन चार चार बार। तो मोदी के नाम पे, मोदी जी कितने प्रधानमंत्री हुए? मोदी के नाम में कौन जीता? अरे सरकार के नाम पे जीते हैं, सरकार वोट। अच्छा, देते हैं। अभी यहाँ जो चुनाव होना है उसमें क्या होगा? काय उपचुनाव? ये विधायकी का, विधायकी चुनाव में उपचुनाव हो? वो तो विधायकी चुनाव तो कांग्रेस पे समझाए, कांग्रेस पे समझाए। ये कहा कांग्रेस यहाँ से सीट है, ये सपा की है? सपा की सीट लड़ी यहाँ, गठबंधन है, गठबंधन है, सपा सपा सीट लेगा, सपा सीट जीतेगा। चलो अब तो चुनाव होगा, पता चल। आप क्या कह रहे थे? ये जो कह रहे थे इनकी बात से आप सहमत हैं जो कह रहे थे? ना, हम ना सहमत होने की बात है। ना नहीं जीतेगा। आपके हिसाब से कौन जीतेगा अभी जो चुनाव होगा? योगी जी जीतेंगे, और कौन जीतेगा? अखिलेश कहाँ जीत रहा है? योगी जी का जो अभी चल रहा है सब कुछ मामला, वो आपको मालूम है? हाँ मालूम है हमें। आपको क्या लगता है? योगी जी के हल्ला ज्यादा मचा रहे हैं लोगों बाग। हा? योगी जी को ज्यादा हल्ला मचा रहे हैं। क्या योगी जी जीतेंगे अब के? मुख्यमंत्री अखिलेश होगा बाबूजी। अरे अभी तो मुख्यमंत्री बनने में बहुत टाइम है। अरे ऐसा काम काम नहीं आएगा अखिलेश ने कहा, जैसे पहले सुविधा सब घूम रही है। अखिलेश की, अखिलेश जीतेगा, अखिलेश मुख्यमंत्री बनेगा आगे के चुनाव में। अरे यहाँ तो जयंत चौधरी चलेगा छोड़ के, कहाँ बीजेपी के साथ? कोई ना पूछ रहा, चौधरी जाट समाज पूरा अखिलेश के साथ है, राहुल के साथ है। जाट समाज, जाट समाज पूरा, जाट समाज पूरा राहुल के साथ, अखिलेश के साथ। बोले ये पूछ ही ना का घर है तुम जीते हो, वहाँ ठीक जा बीजेपी जीती, बेईमानी। अच्छा ठीक है, अच्छा एकदम आप चुप रहिए। 12 करोड़ में जीत हुई है, 12 करोड़ में वो आया डीएम साहब। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, आप चुप रहना, आप जा दूसरे लोगों को आप बोले। ना ना आप तो बोल लिया, अरे बोले नहीं दूंगा मुख्यमंत्री तुम बना।
बैठने से। हाँ ठीक है, आप यहाँ बैठो। हाँ यहाँ बैठो, बैठ लो। अब बोलने देना आप दूसरे को भी। हाँ मैं बताऊँ आपको, ये सरकार गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए बिल्कुल सही नहीं है। मैं बताऊँ, मैं जल निगम में हूँ, 6 महीने का एडवांस चल रहा है सैलरी का, पेंशन का। 6 महीने से लोगों को, जैसे आपका ये जुलाई चल रहा है ना, तो ये क्या करेंगे, 6 महीने रोकने के बाद लास्ट महीने की सैलरी दे और पेंशन देते हैं। जल निगम की ये हालत कर रखी है। आपके पेंशन कब से नहीं आई? मेरी फरवरी तक नहीं आई, फरवरी में आई है। फरवरी के बाद नहीं आई? फरवरी के बाद नहीं आई। ये सरकार कर्मचारी परेशान हैं, जिनके यहाँ कोई और साधन नहीं है। इस सरकार की वो भलाई करेगी, ये बताइए, भलाई करेगी इस सरकार की? जिस आदमी को 5 महीने और 6 महीने पेंशन और सैलरी नहीं मिल रही हो, कार्य कर रहे हों, तो वो इस सरकार की भलाई करेगी? मैं तो नहीं मानता इस चीज़ को। फरवरी से, फरवरी की सैलरी पेंशन मिली है अभी तक, अब लगाइए 6 महीने हो गए। अच्छा ये अब छोड़िए, खैर में जो चुनाव होना, इसका क्या माहौल मूड है? खैर में बहुत बड़ी टक्कर रहेगी। पहले तो टक्कर ना रही, पहले तो बीजेपी बहुत वोट से जीती। हाँ पहले नहीं रही थी, बहुत बड़ी टक्कर रहेगी अब, इस बार बहुत बड़ी टक्कर रहेगी। वजह क्या, कैसे? क्योंकि अभी देखो लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, ये ठीक है सपा कैंडिडेट को यहाँ ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन ज्यादा नहीं, कुछ 100 वोट, मतलब 5-7। स्पष्ट बात में जाट लॉबी गठबंधन से लिंक है, जाट लॉबी का। जयंत चौधरी इनके नेता तो जयंत चौधरी कितने भी वो जाट समाज से हैं, जयंत चौधरी पे पब्लिक नहीं पड़ रही है। ये चीज गठबंधन पे पहुंच रही है पब्लिक, जाट समाज। आपने जाट को बता दिया, और दूसरे? अच्छा पंडित तो शर्म की वजह से सतीश गौतम को इसलिए मजबूरी में दिया पंडितों ने, मैं ब्राह्मण हूँ। लेकिन यहाँ के ब्राह्मणों ने, सुनो, बीएसपी कैंडिडेट भी ब्राह्मण थे यहाँ पे, और बहुत ब्राह्मण दिए बीएसपी को। इतना सतीश गौतम के मुकाबले वोट थोड़ा ही मिला था ब्राह्मणों का, सबसे ज्यादा सतीश गौतम को ब्राह्मणों का वोट मिला इसमें, और सतीश गौतम का फुल सपोर्ट हुआ। और नहीं, सतीश गौतम यहाँ से हारे थोड़े ही है, खैर से लमसम में बराबर में रहे ना सतीश। खैर अलीगढ़ लोकसभा में आता है। अरे यहाँ मैं खैर विधानसभा की बात कर रहा हूँ, वोट खुलते गए तो यहाँ से लेवल में गए ना। हाँ लेवल में गए, कुछ कम गए, कुछ 19-20 तो चलता ही है। पहले तो बीजेपी को यहाँ से बहुत वोट मिलता था ना, जब जो है ऐसा ना, सरकार के कारनामे जब सही होते हैं ना, तो पब्लिक भी खुश रहती है। और जब सरकार के कारनामे सही, सरकार का क्या कारनामा, सरकार तो लटकाए रहती है। देखिए खैर में जाम लगा हो रहता है हर समय, 24 घंटे जाम रहता है खैर में। आप बाईपास का सर्वे इतने दिन हो गए, काफी समय से